हमारे प्रभुदास जी ने बताया, हमारे काले जी ने बताया किस प्रकार से इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ। और जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री के रूप में जब मुझे प्रभुदास ने कहा हमारे यहां पर बिजली नहीं आती, मैंने पता किया क्यों नहीं आती, पता चला बिजली ला नहीं पा रहे क्योंकि सारा का सारा जंगल है, अगर बिजली लानी है मध्य प्रदेश से लानी पड़ेगी। उस समय हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैंने शिवराज सिंह जी को फोन लगाया, मैंने शिवराज सिंह जी को कहा शिवराज जी हमको बिजली मध्य प्रदेश से लानी पड़ेगी, आपकी मदद चाहिए। शिवराज जी ने एक शब्द में कहा आप और हम पड़ोसी हैं, हम आप और हम भाई हैं, हम तैयार हैं। और हमने 133 केवी का काम वहां से लाते हुए यहां तक बिजली लाई, 33 केवी का काम भी पूरा किया हमने यहां पर बिजली लाई। और ये जो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार की सरकार आई थी आपकी बिजली लेकर भाग गई और आज आपको फिर एक बार वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं, मैं यहां आने से पहले पूरी तैयारी करके आया, हमारी नवनीत ताई ने मुझे 6 महीने से बताया था, प्रभुदास ने बताया था कि बिजली का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर सरकार बनी, बिजली विभाग मेरे पास आया, मैंने अधिकारियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि यहां पर हम लोगों को कुछ नए फीडर लगाने पड़ेंगे, जो फीडर है उसको दुगना बनाना पड़ेगा। मैंने 3 महीने पहले आरडीएसएस की स्कीम को मान्यता दी और यहां पर जो नए फीडर बनाने हैं उसको भी मंजूरी दी। ये चुनाव के बाद उसका काम शुरू करेंगे और आने वाले 6 से 8 महीने में सारा काम कंप्लीट होगा। जब काम कंप्लीट होगा 24 घंटे पूरी ताकत से पूरे मेलघाट को बिजली मिलेगी, 1 मिनट भी किसी की बिजली कम नहीं होगी, ये व्यवस्था हमने यहां पर की है। दोस्तों हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं।